तो आज आप देख रहे हो मेरी शादी का व्लॉग। तो अभी मेरी एंट्री हो रही है। मैंने तो सोचा भी नहीं था कि मेरे प्यारे दोस्त लोग इतनी प्यार से मेरी एंट्री करवाएंगे। कितने सुंदर लग रहे हैं सबके सब। अब इन्होंने डांस किया है तो मैंने भी तो डांस करना पड़ेगा ना दूल्हे राजा जी के लिए। पहले कुछ फोटोशूट्स कर लेते हैं। मैं बहुत ज्यादा नर्वस हूँ क्योंकि सब लोग मेरा ही वेट कर रहे हैं। कैमरामैन जल्दी फोकस करो और फोटोशूट करवाने के बाद मुझे जल्दी से फ्री करो यार। मुझे जल्दी जल्दी जाना है और शादी करनी है क्योंकि मेरी नर्वसनेस खत्म नहीं होने वाली। मैं तो यही सोच रही थी कि दूल्हे राजा ने भी मेरे लिए कोई डांस सिलेक्ट किया होगा क्या, या फिर वो वाले गाने में तैनू लेके मैं जावांगा। चलो वो करे ना करे, मैं उनको सरप्राइज जरूर करने वाली हूँ आज। संदीप जी को तो मेरा डांस इतना पसंद आ गया कि उन्होंने मुझे प्रपोज ही कर दिया। पर इन बुद्ध को कौन समझाए कि आज तो हमारी शादी ही हो रही है। अब समझ में नहीं आ रहा है कि हाँ कहूँ या ना कहूँ। चलो हाँ ही कह देती हूँ क्योंकि अब आगे तो कोई ऑप्शन है नहीं। संदीप तो बहुत तेज तेज चल रहे थे बट मैंने उनको बोला यार प्लीज आराम से चलो, मेरा लहंगा बहुत ज्यादा भारी है। बोल रहे भारी है क्या बहुत ज्यादा? मैंने कहा हाँ। कितने किलो का होगा? मैंने कहा 16-17 किलो का। ये मोमेंट स्टेज में जाने के बाद मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे मुंह में कुछ ना कुछ लगा हुआ है और मैं बार बार इनसे पूछ रही थी कि मेरे मुंह में कुछ लगा है क्या, मेरी आंखों का कजल फैल गया है क्या, क्योंकि इतनी नींद आई हुई थी और इतनी टायर्डनेस थी कि पता ही नहीं चल रहा था। अब ऐसा लग रहा था कार्टून भी दिख रही है तो कोई बात नहीं, फोटोशूट हो जाए। तो यहाँ पे आ गई हैं जयमाला लेकर मेरी दोनों की दोनों बहनें और अभी हमारी जयमाला होने वाली है। ओह माय गॉड, क्या ये सच में हो रहा है या मैं कोई सपना देख रही हूँ? पूरे 3 साल जो हम साथ रहे हैं रिलेशनशिप में, वो सारे के सारे मोमेंट्स आंखों के सामने आ रहे हैं। कैसे हमने बात की, कैसे हमने प्लान किया कि हम शादी करेंगे, कैसे इन्होंने मुझे बोला कि यार तुम मेरी वाइफ की तरह हो और मैंने इनको बोला कि आप मेरे हस्बैंड की तरह हो। एक सीक्रेट बताओ, मैंने तो इनके लिए शादी से पहले फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम एक ही इंसान के लिए फास्ट रखा है और मैं ओपनली बोल रही हूँ करवा चौथ का फास्ट रखा था। क्योंकि मुझे अंदर से पूरा भरोसा था कि हमारी शादी एक निक दिन होगी और हो रही है आज। यार देखो मैंने इनको जयमाला पहना दी, अब ये मुझे पहनाएंगे। कई लोग कहते हैं कि आप बहुत लकी हो आपकी शादी होगी, बट यार यहाँ तक आना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। बहुत ज़्यादा इमोशनल मोमेंट है मेरी लाइफ का और इतना खतरनाक फीलिंग आ रहा था अंदर से, सारी की सारी थकान गायब, सब गायब। ऊपर से इतना प्यारा डेकोरेशन था ना। रिलेशनशिप में काफी ज्यादा स्ट्रगल करने के बाद फाइनली ये दिन आ ही गया। थैंक यू महादेव जी, माँ पार्वती जी, हमेशा ऐसी अपनी ब्लेसिंग्स हम पे बनाई रखना। अब इतना हैवी लहंगा पहन के बैठूंगी तो कहीं चेयर पीछे ना खिसक जाए। आज तक जितने भी बर्थडे मनाए ये गन और पार्टी पॉपर कभी नहीं चला, आज ही चल जाए, बस चल गई ये। अब चलते जा रही है। चलो तब तक ऐसे कुछ पोजेस दे देती हूँ, लुक खराब ना आ जाए ना कहीं फोटोशूट्स में। ये कैसे लग रहे हैं हम दोनों साथ में? मुझे तो ये मोमेंट बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है यार। काश ये मोमेंट दोबारा आए, संदीप के साथ ही आए, बट नहीं, ऐसा मोमेंट एक ही बार आता है। ये मेरी प्यारी सासू माँ जी और मेरे ससुर जी थोड़ा सा इमोशनल हो रहे हैं, दिख रहा है वो भी वीडियो में मुझे, कोई बात नहीं। फिलहाल ये मोमेंट तो सभी के लिए इमोशनल है, मेरी फैमिली के लिए, उनकी फैमिली के लिए, क्योंकि यार ये बहुत बड़ी चीज़ है शादी। मेरे प्यारे से क्यूटी पाइस से मेरे प्यारे से देवर हैं, ये बहुत पसंद है मुझे, मेरी पॉजिटिव एनर्जी है गाइस। मुझे बहुत अच्छे लगते हैं दोनों के दोनों, इवन मुझे पूरी मेरी फैमिली बहुत अच्छी लगती है। तो ये मेरी फैमिली है, पूरी फैमिली है, इसमें सभी लोग हैं। अभी हमारा फोटोशूट चल रहा है। लो पापा जी ने तो नजर भी उतार दी दोनों की। और ये मेरे मम्मी पापा और मेरे भाई बहन हैं। यहाँ पे कामिनी पक्का यही बोल रही होगी आप मुझे चुपचाप से जूते दे देना। हाँ वो बोल रही होंगी नहीं नहीं ऐसे ही थोड़ा ना दे दूंगा। ये संदीप के चाचा चाची जी हैं, ये मेरी चाचा चाची और मेरी बहनें हैं, ये मेरे सारे भाई लोग हैं, ये मेरी दादी हैं जो आपको बहुत पसंद आती है वीडियोस में। मुझे दादी लोग इतने क्यूट लगते हैं, इतने प्यारे लगते हैं ना, ये लोग बेचारे सीट ही डिसाइड नहीं कर पा रहे कि हम कहाँ पे बैठे हैं, थोड़ा नर्वस है मेरी तरह। ये मेरी बुआ की पूरी फैमिली।
अब वो मोमेंट आ गया है शादी वाला, जब हम लोग फाइनली एक हो जाएंगे। और ये हमारी शादी का मंडप है, यहाँ पे मेरे पापा, चाचा, पंडित जी, मेरी मम्मी, दादी सब लोग बैठे हुए हैं और सामने मेरे प्यारे संदीप जी। खुशी भी बहुत ज़्यादा हो रही है और थोड़ा सा बुरा भी लग रहा है क्योंकि मैं अपनी फैमिली से दूर होने वाली हूँ, बट अपने माँ बाप से तो कभी कोई दूर नहीं हो सकता। तो ये संदीप जी अपने सहरा एडजस्ट करवाते हुए, इस बात का बहुत ज़्यादा भी बुरा लग रहा है कि मैं अब चौबे से भट हो जाऊँगी, और खुशी भी हो रही है कि प्यारे संदीप जी मुझे मिल गए। बस भगवान हमारी जोड़ी हमेशा सलामत रखे। चलो फिर हाथ में जल ले लेना। ओम यन मधुने को सरसी जगदी छंदो मधुपर्क देवता मधुपर्क प्रासने विनियोगा। मेरे पापा और मुझे तो बैठे बैठे इतनी बार नींद आ गई ना, क्या बताऊं। पंडित जी को भी नींद आ रही है, आप सब लोग कॉमेडी कर रहे हैं हंसते हंसते ताकि सबकी नींद टूट जाए। और इस बीच पता है इतनी खतरनाक ट्रेजेडी हो गई। क्या हुई कुछ सोच सकता, कोई भी नहीं सोच सकता। मेरा पर्स खो गया और उसमें मेरे सारे पैसे और मेरा फोन, मेरा सब कुछ उसी में था। और सब लोगों की नींद गायब, सब कुछ हल्ला बोल हो गया था पूरे मंडप के पास। और मैं मंडप से उठ के बाहर गई चेक करने के लिए कि मेरा पर्स कहाँ है, और लास्ट में मिला ही नहीं। मैंने कहा यार अब नहीं ही मिलेगा तो नया ही आईफोन ले लूँगी, क्या कर सकती हूँ फिर। अब सारे लोग परेशान हो रहे थे तो मैंने सोचा कि मैं थोड़ा खुद को हैप्पी दिखाऊंगी तो सभी लोग नॉर्मल हो जाएंगे। बट मैंने बहुत कोशिश की, ये भी बोला कि कोई बात नहीं मिल जाएगा, यहाँ पे कैमराज होंगे, सीसीटीवी होंगे, मिल जाएगा। बट यार लोगों के मन में वही टेंशन था कि इसका फ़ोन खो गया, इसका पर्स खो गया, कोई कहीं जा रहा है कोई ढूंढने, कोई कहीं जा रहा है। संदीप के मामा जी तो इतना परेशान हो गए थे, उन्होंने पुलिस ही बुला ली थी। बट अच्छा हुआ पुलिस के आने से पहले पर्स मिल गया। थैंक गॉड पर्स मिल गया था लास्ट में। अभी हम लोग ये फल की टोकरी दे रहे हैं एक दूसरे को, गिफ्ट्स होते हैं हमारे यहाँ पे हमारी कल्चर में। पंडित जी जल दे रहे थे और मैं अपनी आँखों में छिड़क रही थी। और भी बहुत सारी चीजें होती हैं, अब मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगी अपने फेरे। आप लोग हाथ लगा के ना एक बार यहाँ देखिए। सबको हंसी आ रही है तो संदीप जी को ही नींद आ गई है। हाथ लगा लीजिए मैम, हाथ टच कीजिए, बस यहाँ देखेंगे। और काफी लोग कमेंट्स में भी बोल रहे थे कि शादी का व्लॉग अपलोड करो, तो शादी के व्लॉग में यही सब होता है, शादी होती है, फोटोशूट्स होते हैं, जयमाला होती है। कितनी मेहनत करनी पड़ रही है, सब लोगों को अपने पूरे हाथ फैलाने पड़ रहे हैं बिकॉज मेरा इतना हैवी लहंगा है और सब लोग उसके सामने ना बहुत दूर दूर हो जा रहे हैं, उसको बहुत ज़्यादा स्पेस चाहिए। लो जी ये है मेरा मेकअप बॉक्स, इसको हमारे पहाड़ों में बार बार बोलते हैं श्रृंगारदानी। संदीप ने तो यही रख लिया था, बोलते तुम्हारा श्रृंगारदान ले लिया ना हमने, तुम्हारा श्रृंगारदान मिल गया ना तुमको। अब चल रही है मेरी तैयारी रंगीली पिछौड़ी पहनने की, जो हमारा उत्तराखंड का कुमाऊनी ट्रेडिशन है। इतनी प्यारी लगती है ना वो पहनने के बाद, मैं क्या बताऊँ। मेरी चाची मुझे पहना रही है, वो सब मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगी। बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं।